ओम शांति। आपका प्रश्न है कि कैसे विश्वास करें कि ड्रामा एक्यूरेट है, कैसे विश्वास करें कि ड्रामा एक्यूरेट है। परमपिता परमात्मा परमधाम से आकर ये बात समझा रहे हैं कि ड्रामा एक्यूरेट है। जब ड्रामा एक्यूरेट है परमात्मा स्वयं बता रहे हैं, इससे बड़ी अथॉरिटी क्या होगी। क्योंकि कोई भी बात सच तब है ये देखा जाता है कि बताने वाला कौन, किसने कहा है कि आज छुट्टी है, रास्ते चलता कोई व्यक्ति कहे कि आज पूरे इंडिया में छुट्टी है, कोई मानेगा? नहीं मानेगा। नहीं मानेगा। क्यों मानेगा? कब मानेगा? जब उसे यह मालूम हो कि प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया है, प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया है, सीएम ने डिक्लेयर किया है, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने डिक्लेयर किया है, किसने डिक्लेयर किया? अधिकारी कहेगा, स्कूल कहे तो प्रिंसिपल ने कहा है, कंपनी के मैनेजर ने कहा है, किसने कहा है? तो स्वयं परम पिता परम आत्मा परम धाम से आकर समझा रहे हैं। उसके बाद कोई प्रश्न उठ नहीं सकता। परम पिता परमात्मा आकर समझाते बच्चे, ये ड्रामा का आदि मध्य अंत का राज मेरी सिवाय और कोई बता भी नहीं सकता। आपको लगता हो कि कोई बता सकता है तो बताओ कि सृष्टि का आदि मध्य अंत का राज सिवाय परम पिता परम आत्मा के कोई भी बता नहीं सकता। तो आप स्वयं परम पिता परमात्मा आकर बता रहे हैं तो क्वेश्चन ही नहीं उठता कि हम कैसे विश्वास करें कि ड्रामा 5000 साल का है और एक्यूरेट चलता है। विश्वास तो सिर्फ इसी बात से ही होता है कि कौन कह रहा है, किसने कहा। तो अब स्वयं परम पिता परम आत्मा परम धाम से आकर समझा रहे हैं, परंतु इस पर विश्वास भी करेगा तो वही जिसे ये पता चल जाए कि जिस परमात्मा को हम ढूंढ रहे हैं, जिस परमात्मा से हम मिलना चाहते हैं, वो परमात्मा परम धाम से आकर हम सारे संसार की आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे ये बात बुद्धि में समझ आती जाएगी तो परमात्मा की एक एक बात कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगी।
क्योंकि ड्रामा की एक्यूरेसी ही वंडरफुल प्रमाण देती है कि हर बार हूबहू रिपीट होगा। हूबहू रिपीट होने से बहुत बहुत राहत मिलती है और अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का जज्बा, चढ़ती कला में ले जाने का उत्साह हमारे अंदर आता है कि हम कल्प पहले भी देवता बने थे। कहते भी हैं, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी बार। किसने मनुष्य से देवता बनाए? जरूर कभी बनाए होंगे ना। और यह बात समझ में आती है, बनाए होंगे तो फिर बनाएगा भी, इसीलिए बुलाते हैं। गीता में इसे लिखा गया, जब जब धर्म की ग्लानी होती है तो अधर्म का विनाश कर पुनः सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा आते हैं, पुनः आते हैं। ये लाइन स्पष्ट करती है कि दोबारा बार बार आते हैं। पहले आए हैं, अब इंतजार है कि जरूर आएंगे, कि फिर से गीता का ज्ञान सुना जा रही। सब इंतजार कर रहे हैं कि स्वयं भगवान आएंगे और हमें फिर से गीता का ज्ञान सुनाएंगे, हमें पावन बनाएंगे, हमें श्रेष्ठ बनाएंगे। तो अब परमपिता परमात्मा आकर हमें समझा रहे हैं कि मैं हर कल्प की तरह अब आया हूं आप सबको फिर से पावन बनाने के लिए। बाबा कहते, बच्चे दुनिया वाले कह देते लॉन्ग लॉन्ग एगो, कोई भी कहानी शुरू करेंगे उसके अंदर यही कहेंगे कि लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात है। पर कितना समय पहले की बात है ये कोई नहीं बताता। ये ड्रामा 5000 साल का है, जैसे रात और दिन 24 घंटे के हैं, सप्ताह 7 दिन का है, महीना 30 दिन का है, साल 365 दिन का है, ऐसे ही एक युग 1250 वर्ष का है और चारों युग से मिलकर बनता है एक कल्प, एक ड्रामा। जैसे सप्ताह रिपीट होता रहता है, रात दिन रिपीट होते रहते हैं, युग भी इसी प्रकार से चार युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। फिर क्या आएगा? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये चारों युग लगातार चलते रहते हैं, नॉन स्टॉप, कभी नहीं रुकते, कभी भी नहीं रुकते। अनादि काल से चले आ रहे हैं और अनंत काल तक चलते ही रहेंगे, अनंत काल तक चलते ही रहेंगे। क्या वंडरफुल बात है कि जिस परमात्मा को सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो परमपिता परमात्मा परम धाम से आकर हम सारे संसार को पुनः पतित से पावन, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी एक्यूरेट टाइम पर बनाते,
परमात्मा कहते मैं एक सेकंड लेट नहीं होता हूं, एक्यूरेट टाइम पर मैं आता हूं। हर आत्मा का एक्यूरेट रोल है। कोई भी आत्मा और मैं परम आत्मा इस वर्ल्ड ड्रामा में एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकते। पूरा यूनिवर्स इसी प्रकार से ही रिपीट होता रहता है। आपने यही प्रश्न अब से ठीक 5000 साल पहले पूछा था, अब पूछ रहे हो और हर 5000 साल बाद पूछते रहेंगे और पूछते रहे हो। जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं ठीक उसी समय आप देखेंगे, और इसकी एक्यूरेसी को इतना ध्यान से देखो कि पूरे यूनिवर्स में जो चीज जहां है वो ठीक इसी सेकेंड वही होगी, चाहे वो जड़ है चाहे वो चैतन्य है। ठीक 5000 साल बाद पूरे यूनिवर्स में चाहे वो तारे हों चाहे ग्रह हों चाहे उपग्रह हों चाहे पृथ्वी पर जीवन हो पृथ्वी पर कुछ हो या कोई भी ग्रह कोई भी पिंड जो भी आकाश के अंदर आकाश गंगा कुछ भी है जो चीज जहां है ठीक 5000 साल के बाद वो वहीं पर ही हो। कोई भी अपनी जगह से एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। इतना एक्यूरेट समझना है। हर आत्मा की रिकॉर्डिंग कैपेसिटी 5000 ईयर्स है, परमात्मा की रिकॉर्डिंग कैपेसिटी 5000 ईयर्स है, और जो रोल बना हुआ है लिखा हुआ है एक्यूरेट चलना है, और एक्यूरेट रिपीट होता रहता है। ये वंडरफुल बात इतना क्लियर शास्त्रों में हम पढ़ते थे। मैं ब्राह्मण का बच्चा हूं, शास्त्रों में हम पढ़ते थे एक एक कल्प बीतता है दूसरा कल्प बीतता है कितने कल्प, मतलब ब्रह्मा 100 कल्प बीतने के बाद फिर वो ब्रह्मा मर जाता है फिर दोबारा ब्रह्मा पैदा होता है। सत्युग त्रेता द्वापुर कलयुग, सत्युग त्रेता द्वापुर कलयुग, फिर सत्युग आ जाता है, फिर सत्युग आ जाता है, जैसे हर सप्ताह संडे आ जाता है, हर सप्ताह संडे आ जाता है, ऐसे ही हर सप्ताह फिर से चलता ही रहता है। बाकी मानना या ना मानना, मैं तो समझता हूं बकरी के 2 थन हैं, कोई कहे कि बकरी के 3 थन हैं तो उसका कुछ भी नहीं कर सकते, वो उस आत्मा का पार्ट है। फिर भी और अच्छी तरह से समझने की इच्छा हो तो आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं, और यदि आपका कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओम शांति।